बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू सालार खान यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज जो है तो हम डायमेंशन के टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको थोड़ा सा बोर किया हो, थोड़ा सा इस टॉपिक को मैंने स्ट्रेच करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इससे एग्जाम में भी सवाल आता है और एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रा सा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज इस चैप्टर का और इस टॉपिक इस चैप्टर का और डायमेंशन का आखिरी वीडियो है। ठीक है, और वो है द सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, विच इज व्हाट, विच इज द चेकिंग द करेक्टनेस, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। चले लिखे ऑफ एन इक्वेशन लिखे या ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन लिखे, तो ये जो है ये रूल नंबर टू है ऑफ व्हाट, ये यूज नंबर टू है ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। पहला वाला हमने पिछली वीडियो में देखा, टू डिराइव द पॉसिबल फॉर्मूला। इसमें हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस कि अगर एक इक्वेशन हमें गिवन है तो वो ठीक है या ठीक नहीं है। समझ आई? बिल्कुल आई। इसको हम कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या होमोजेनिटी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छा, मैं जरा लिखता हूं, आप मेरे साथ लिख के। इन ऑर्डर फॉर अ डायमेंशन, फॉर अ फिजिकल इक्वेशन टू बी करेक्ट, इट शुड हैव द सेम डायमेंशंस ऑन बोथ हैंड साइड्स। एक इक्वेशन आपको गिवन है, आपसे पूछता है क्या ये करेक्ट है कि नहीं है। आप उसके दोनों साइड्स पर डायमेंशन निकाले, अगर सेम आते हैं वो करेक्ट है, सेम नहीं आते तो वो करेक्ट नहीं है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये हमें अबाउट द करेक्टनेस बताता है, फुल 100% करेक्टनेस के बारे में हमें नहीं बताता। और किस तरह नहीं बताता तो वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं जी। समझ आई? बिल्कुल आई। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम फिजिकल क्वांटिटीज। इसका भी मतलब यही है, चलिए लिख के, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब भी अभी इधर क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा जो है आप लिख के और मेरे साथ साथ चले। एक इक्वेशन मैं लिखता हूं, द फेमस आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन mc2। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, क्या ये करेक्ट है कि नहीं है, चेक करेंगे। डायमेंशन लेंगे ऑन बोथ साइड्स, डायमेंशन ऑफ ई, डायमेंशन ऑफ mc2। E का डायमेंशन क्या होता है, ml square t power minus 2 होता है कि नहीं होता, चेक करें यार, बिल्कुल होता है। और राइट साइड पे देखें, एक m है और फिर l और t का इनवर्स स्पीड है ना, और इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब m और फिर l स्क्वायर और t minus 1 और फिर 2, तो -2। तो इसका मतलब देखे, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, दोनों के डायमेंशन सेम है, ये इक्वेशन करेक्ट है डायमेंशनली। अगर इज इक्वल टू एमसी होता, एम एल टी पावर -2, एम एल टी पावर -1, क्या दोनों साइड्स पर सेम डायमेंशन है, नहीं है, ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। S इज इक्वल टू हाफ ए स्क्वायर्ड टी स्क्वायर्ड, चेक करना है, दोनों साइड पर डायमेंशन ले। S 1/2 तो डायमेंशनलेस है ना, मैंने आपको बताया था प्योर नंबर्स आर डायमेंशनलेस, ए स्क्वायर्ड टी स्क्वायर्ड। S लेंथ है, ठीक है, A क्या है, एक्सेलरेशन है, क्या होता है, L t पावर -2 होता है होल स्क्वायर्ड, और ये फिर टाइम है, तो इसका तो टी स्क्वायर आ गया, जिसका मतलब एल एंड दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर्ड और टी की पावर -4 और फिर +2,
तो इसका मतलब है एल स्क्वायर्ड टी की पावर माइनस टू, तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, इसका मतलब ये इक्वेशन गलत है। समझ आई? बिल्कुल आई। सही इक्वेशन किस तरह होता है? एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर्ड, लेट्स से, तो डायमेंशन ऑफ एस लेंथ है, ए क्या है एक्सेलरेशन है, एल टी माइनस टू होगा कि नहीं होगा, एल टी माइनस टू है, और फिर टाइम का स्क्वायर्ड है, टाइम का स्क्वायर्ड, तो एल इस साइड पे आ गया, इस साइड पे देखे एल है, टी की पावर माइनस टू प्लस टू जीरो होगा, जीरो टू द पावर एनीथिंग टू पावर जीरो वन नहीं होता, एल इक्वल टू एल होता है। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट नहीं है। मैंने आपको बताया हमें 100% एक्यूरेटी नहीं देता जी, वो क्यों नहीं देता? इधर एक टर्म मिसिंग है, आपको पसंद, आपको नजर आ रहे कि नहीं? चले उस करेक्टनेस को भी छोड़े यार, इससे मैं ये वाला पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये इक्वेशन इस तरह नहीं है बेसिकली। बेसिकली ये इक्वेशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड है, इस तरह है कि नहीं है? तो अब अगर मैं डायमेंशनल एनालिसिस करता हूं, इसका लेंथ आ गया, स्पीड है एल टी इनवर्स, और फिर एक टाइम और, फिर प्लस वन ओवर टू का तो डायमेंशन नहीं है, एल टी माइनस टू और फिर टी की पावर टू, एल और दिस इज इक्वल टू एल टी इनवर्स माइनस वन प्लस वन जीरो प्लस एल अगेन माइनस टू प्लस टू जीरो टी पावर जीरो टू एल, तो टू तो डायमेंशनलेस है ना, तो एल इज अगेन इक्वल टू एल। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो मैंने आपको बताया वी कैन एड और सब्ट्रैक्ट द सेम फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब है कि अगर मैं इन दो फिजिकल क्वांटिटीज को एड कर रहा हूं तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, और वो मैंने आपको इधर बता दिया। देखिए इन दोनों क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये सेम फिजिकल क्वांटिटी है। बज़ाहिर आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी और टाइम और एक्सेलरेशन और टाइम नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने इस पे धोखा नहीं होना, आपने इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, और डायमेंशन देके वो सेम है तो आप कहेंगे कि दीज आर द टू आर द सेम फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक हो गया जी? बिल्कुल ठीक। तो समझ आ गई? इसका मेरा मकसद था कि मैं आपको ये सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करूं कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम फिजिकल क्वांटिटीज, और ये जो है इन ऑर्डर फॉर इक्वेशन टू बी करेक्ट इट शुड हैव द सेम डायमेंशन ऑन द बोथ हैंड साइड ऑफ ईच टर्म, भी इसके साथ होना चाहिए, ईच टर्म हैज द सेम डायमेंशन। ठीक है, ईच टर्म, इसका मतलब ईच टर्म क्या होता है? इसका मतलब अगर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू है तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होगा, और जो डायमेंशन एक्स का होगा वही डायमेंशन वाई का भी होगा, और फिर जो जेड का होगा वो डब्ल्यू का भी होगा, और फिर ये दोनों ओवरऑल सेम आएंगे, तब जाके मैं कहूंगा कि ये जो इक्वेशन है ये ठीक है। ठीक हो गए जी? समझ आई? बिल्कुल। वी इज इक्वल टू f times l upon m whole under the root। क्या इक्वेशन सही है कि नहीं? आपने पढ़ी हुई है, पढ़ी होगी। तो डायमेंशन लेते हैं, वेलोसिटी की डायमेंशन है l t inverse is equal to force है m l t power minus 2, फिर l है तो मैं डायरेक्टली इधर l square लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अच्छा, फिर नीचे m है तो फिर मैं ऊपर लेके आता हूं तो m पावर माइनस वन हो जाएगा, तो m m के साथ कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा यार, अभी तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके ऊपर होल एक अंडर द रूट भी है, तो देखिए l t इनवर्स, देखिए l 2 और 2 कैंसिल, l माइनस 2 के साथ कैंसिल माइनस 1, तो क्या ये इक्वेशन सही नहीं आ गया? सही आ गया। एग्जाम्पल नंबर 1.6 है आपकी किताब का, इधर मैं करवाता हूं। यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस आपको सेंट्रिपिटल फोर्स की रिलेशन गिवन है, और आपने बताना है कि इनमें से कौन सी रिलेशन सही है। तो ए है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर्ड अपॉन आर स्क्वायर्ड, और बी है F इज इक्वल टू
एम वी स्क्वायर बाई आर। अब आपको पता है कि दूसरी क्वेश्चन सही है, लेकिन ना हम चेक करते हैं बाय डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन ले ले फोर्स का, मैं जरा स्टेप वाइज ये पहला वाला करता हूं, पहले दोनों साइड पे डायमेंशन लेते हैं। अब देखिए फोर्स की डायमेंशन क्या है जी, एम एल टी की पावर माइनस टू। मास की डायमेंशन एम है, वी स्क्वायर है तो ये एम हो गया, v है, l t पावर माइनस वन है, इसके ऊपर स्क्वायर है, और फिर r स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये स्क्वायर है कि नहीं है, तो माइनस टू हो जाएगा। l है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब देखिए m l t पावर माइनस टू दिस इज इक्वल टू व्हाट m, अब देखिए l के ऊपर स्क्वायर है और उधर माइनस टू है, तो l जीरो हो जाएगा और फिर t की पावर माइनस टू हो जाएगा। तो गलत है ना, तो ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया यार, लेकिन ये गलत रिलेशन है ना। ठीक है, देखे क्या डायमेंशन बोथ एंड साइड सेम है, सेम नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ए रिलेशन गलत है। बी रिलेशन को अभी हम देखते हैं, डायमेंशन ऑफ एफ। तो अगर आप डायमेंशन फाइंड करते हैं तो आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है, या आप इस तरह लिखे इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ एफ, या फिर आप एफ को भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करें। और अब देखे इधर आप डायमेंशन ले ले एम वी स्क्वायर बाई आर का, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, एम एल टी की पावर माइनस टू। अब देखे उधर एम है, फिर वी है, एल टी इनवर्स है, और फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर है, और फिर आर है, तो मैं इसको एल की पावर माइनस वन लिखता हूँ। फिर देखे ये एम हो जाएगा एल की पावर स्क्वायर, टी की पावर माइनस टू और एल की पावर माइनस वन। लेफ्ट हैंड साइड पे है एम एल टी पावर माइनस टू, राइट हैंड साइड पे देखे एम 2 माइनस वन वन एल और t माइनस टू। तो क्या ये सही है कि नहीं है, दोनों साइड्स पर सेम डायमेंशन आ गई तो ये सही है, सेंट्रिपिटल फोर्स का बी नंबर फॉर्मूला सही है। ठीक हो गया जी, आप इसको अलग अलग भी कह सकते हैं अगर आप खुद को कंफ्यूज नहीं करना चाहते। बच्चों की तरह टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बच्चों की तरह टेकिंग राइट हैंड साइड, आखिर में लिख के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो आप बच्चे तो नहीं है ना यार। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1.7 जल्दी जल्दी करते हैं यार, मुझे नींद आ रही है। आज मैंने एक ही दिन में पूरे ये चार वीडियोस बनाई है यार, एक सुबह फिर दूसरी जो है दोपहर को, एक शाम को, अब दो रात को, तो ये मर छोड़े यार। चलो एनीवेज, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो किया तो मैंने यार इधर करा दिया, वो यार नहीं करा है। चलो करा देते हैं यार, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो बच्चों की तरह इस मरतबा करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पर वी एफ का डायमेंशन लेता हूँ जो कि है एल टी इनवर्स, राइट हैंड साइड पर क्या करता हूँ डायमेंशन लेता हूँ वी आई प्लस ए टी का, अलग अलग चले ले ले, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, एल टी इनवर्स होगा कि नहीं होगा, प्लस ए एल टी माइनस टू होगा कि नहीं होगा, और पेयर टी तो प्लस टी होगा कि नहीं होगा, एल टी इनवर्स L माइनस टू प्लस वन एल टी इनवर्स, टू टाइम एल टी इनवर्स, टू की तो मैं फिक्र ही नहीं करता, डायमेंशन लेस है, एल टी इनवर्स के बराबर है, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। एक बात और, आप इसको बगैर स्क्वायर ब्रैकेट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है और एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है एक बगैर स्क्वायर ब्रैकेट में, तो फिर ब्रैकेट वाला ऑफकोर्स, बाकी तो आप समझदार है ना जी। और s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये मैं करवा चुका हूँ, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है जी डायमेंशन, ये बिल्कुल सही है डायमेंशन। इसमें एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन क्या है, मैंने आपको बताया था ये हमें 100% करेक्टनेस के बारे में नहीं बताता, वो ये है, अगर मैं कहता हूं ये देखिए ये क्वेश्चन आपने फाइंड कर लिया डायमेंशनली करेक्ट था और ये फिजिकली भी करेक्ट है, अब एक इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट हो तो जरूरी नहीं है कि फिजिकली करेक्ट हो। किस तरह, अगर इसी इक्वेशन में मैं s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन ओवर टेन ए टी स्क्वायर लिखता हूं, आप इसकी डायमेंशनल एनालिसिस करें, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड आएगा, मगर ये जो 1 ओवर 10 है ये फिजिकली करेक्ट नहीं है, तो ये इसकी सेकंड लिमिटेशन हो गई। अब इसमें आप एक सवाल पूछते हैं,
कि हम तो इधर डायमेंशनल एनालिसिस के एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं, तो आप हमें फिजिकल इक्वेशन रॉन्ग क्यों साबित कर रहे हैं? तो ये मैं आपको लिमिटेशन बता रहा हूँ। एडवांटेजेस के साथ सिर्फ एडवांटेज तो नहीं होता ना जी, लिमिटेशन भी होती है ना। अगर एक चीज़ का एडवांटेज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसके साथ मैं उसका लिमिटेशन भी बता रहा हूँ जी। ठीक हो गया? तो इसका मतलब अगर एक इक्वेशन लिखे, यार ये जरा इंपॉर्टेंट है, अगर एक इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो इसका मतलब वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। लेकिन अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट भी हो सकता है और फिजिकली इनकरेक्ट भी हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको बताया। डायमेंशनली तो ये दोनों इक्वेशंस करेक्ट है, लेकिन फिजिकली ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। अब ये फिजिकली करेक्ट है, डायमेंशनली भी ये करेक्ट होगा। बाकी आपके दिमाग में, आपके दिल में जितने इक्वेशंस आते हैं खुद से आप कर सकते हैं जी। इधर मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं, लेकिन एक एमसीक्यू के साथ, एक एमसीक्यू एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन लिख के। क्या ये जगह बोर्ड के रेंज में है, कैमरा के रेंज में नजर आ रही है? ठीक है, जरा लिख के एक एमसीक्यू लिख के, पी इज इक्वल टू एक्स वी, पी इज इक्वल टू एक्स वी प्लस वाई अपॉन जेड प्लस टी। ये मेरे टीचर ने एक लिखवाया हुआ है। इसमें मुझे कहते हैं पी अगर मोमेंटम है, वी वेलोसिटी है, एक्स वाई जेड को चले यार गोली मारी जो भी है, डायमेंशन ऑफ जेड क्या होगा? डायमेंशन ऑफ जेड क्या होगा? इसका जवाब मैं आपको देता हूं यार, आप फिर कमेंट में नहीं बताते। वैसे जरा सोचे, वीडियो को पॉज करके सोचे। अच्छा चले ठीक हो गया जी। ऑप्शंस आपको मैं दे दूं कि नहीं? यार मड़ा ऑप्शन छोड़े ना। इधर मैं, हमने क्या पढ़ा? हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा। हमने पढ़ा वो पहले वाले को गोली मारे, दूसरे वाले को देखे, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम फिजिकल क्वांटिटीज, जेड को मैं किसके साथ जो है तो क्या कर रहा हूं, जेड को मैं किसके साथ ऐड कर रहा हूं, टाइम के साथ ऐड कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि जेड की डायमेंशन भी वही होंगी ना जो टाइम की है। तो इसका आंसर ये है, या फिर m0 l0 t पावर 1। x v की डायमेंशन आप मुझे, x की डायमेंशन आप मुझे बता सकते हैं? x की डायमेंशन, x की डायमेंशन कौन बता सकता है? चलिए एक मैंने आपको बता दिया x की डायमेंशन, आप होमवर्क ले लेना यार। ठीक है, कुछ और तो रह तो नहीं गया? मैं जरा इधर देखता हूं यार, मैं जरा इसमें देखता हूं कि मुझसे कुछ रह तो नहीं गया। ड्रॉबैक्स है, कैन नॉट गिव अस द इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने पीछे देखा, नहीं बता सकता। डायमेंशन होमोजीन इक्वेशन में और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। और ये जो है हमें डायमेंशनलेस क्वांटिटीज के बारे में भी कोई हमें नहीं दे रहा। ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो बुक वाले एमसीक्यूज है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।